देखिए, जिस लेक्चर की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर जो मैंने कॉची थ्योरम को यूज़ किया उसके अंदर जस्ट मैंने ये वाली स्टेटमेंट यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैं वहाँ पे लैग्रांज थ्योरम का आपको कन्वर्स जो है उसके ट्रू होने के चांसेस में आपको बता रही थी कि सबसे पहले तो देखिए, हमने लैग्रांज थ्योरम यही पढ़ा है ना कि कोई भी आपके पास ग्रुप हो, जैसे हम मैं कहती हूँ कोई भी एक ग्रुप है, जी है ग्रुप, उसका ऑर्डर 6R है। अभी 6 के देखें पॉसिबल डिवाइजर हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके बाद 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, 4 इसके डिवाइजर आए। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी आप ग्रुप है उसका सब ग्रुप उठाएं, कोई भी आप उसका सब ग्रुप उठाएं तो उसका जो ऑर्डर होता है हमेशा वो एक्चुअल ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये आपका होता है लैग्रांज थ्योरम। बट इसका कन्वर्स हमारे पास ट्रू नहीं होता। कन्वर्स ये हो सकता है कि कोई आप ग्रुप लें, उसका ऑर्डर लें, उसके पॉसिबल डिवाइसर्स लें, जैसे मैंने ये पॉसिबल डिवाइसर्स ले लिए। तो अब ऐसा नहीं है कि इन पॉसिबल डिवाइसर्स का हर डिवाइसर का आपको एक सब ग्रुप लास्ट में मिलेगा, ऐसा नहीं है। कन्वर्स देखिए होल्ड नहीं कर रहा। अगर कोई आप सब ग्रुप उठाते हैं तो वो हमेशा आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ही करेगा। बट आप किसी ग्रुप के डिवाइसर्स पॉसिबल उठाएं तो उसके रिस्पेक्ट में आपको सब ग्रुप उसका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये हमारी स्टेटमेंट है लैग्रांज थ्योरम की। तो मतलब हमारा लैग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता, मतलब जो डिवाइजर है उसके रिस्पेक्ट में हमें सब ग्रुप मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो अब यही चीज़ कौशी ने हमें बताई कि आप वो सब ग्रुप के वहाँ पे वो आप ग्रुप के ऑर्डर लें जो आपके पास प्राइम आ रहे हैं। जैसे इसके अंदर वैसे तो आपको पता है कि एक तो 1 आइडेंटिटी हमेशा सब ग्रुप बनाता है और दूसरा 6 जो होता है वो हमेशा सब ग्रुप बनाता है। अब कन्वर्स क्योंकि लैग्रांज थ्योरम का यहाँ पे कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता, आप हमें नहीं पता कि ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का जो है सब ग्रुप एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर इसके दो और सब ग्रुप एग्जिस्ट किए तो ये हमें यहाँ पे पता है कि कन्फर्म है उसका ऑर्डर 2 और 3 हो सकता है, बट कन्फर्म नहीं है। तो इसी चीज़ को एक्सटेंड किया था कौशी ने, उसने हमें बताया कि आप ऑर्डर यहाँ पे जो आपका ग्रुप है उसके आप पॉसिबल डिवाइसर्स लें, तो उन डिवाइसेस में से जो आपके पास प्राइम डिवाइसर आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे 2 भी हमारा प्राइम है और यहाँ पे 3 भी हमारा बेसिकली प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो प्राइम जो आपके डिवाइसर होते हैं इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आपको मिनिमम एक मतलब कम से कम एक सब ग्रुप लास्ट में मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इनफैक्ट साइक्लिंग में तो एक ही मिलता है, अगर जनरल ग्रुप की बात हो रही है तो उसको उसके अंदर मिनिमम आप यहाँ पे 2 के आपको 2 से ज़्यादा एक से ज़्यादा सब ग्रुप मिल सकते हैं, ऑर्डर 3 के ज़्यादा सब ग्रुप मिल सकते हैं। मतलब कौशी ने यह बताया कि ऑर्डर जो प्राइम आ रहा है, जो प्राइम डिवाइसर आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको यूनिक एक सब ग्रुप उसका लाजमी मिलेगा। तो ये चीज़ इसको आप मिक्सअप ना करें। तो मैंने वहां पे जस्ट ये वाली स्टेटमेंट यूज की, मैंने कहा था कि अगर पी कोई प्राइम है और आपका जी ग्रुप को वो डिवाइड कर रहा है, तो अगर वो प्राइम नंबर है उसका प्राइम डिवाइसर आ रहा है तो उसका उसके रिस्पेक्ट में आपको एक उसका सब ग्रुप लास्ट में मिलेगा। और ये चीज तो आपकी अंडरस्टूड है कि जो आपके पास उसका प्राइम डिवाइसर आ रहा है तो उसी प्राइम डिवाइसर पी जो भी, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका जो यहाँ पे ऑर्डर है वो 2 या 3 आएगा। ये तो वैसे ही अंडरस्टूड बात है जो थ्योरम आप बात कर रहे हैं, जो आप रिजल्ट बात कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ ये वाली यहाँ पे रिजल्ट भी होता है कि एलिमेंट तो लास्ट में एग्जिस्ट करेगा बट उसी ऑर्डर का आपको एक सब ग्रुप भी लास्ट में मिलेगा। अब यहाँ पर अगर प्राइम डिवाइसर ना होता है, जैसे मैं यहाँ पर 12 की बात करूँ, तो 12 के डिवाइसर में देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी इसको डिवाइड करते हैं, आप इसके बाद 4 भी डिवाइड करते हैं, तो देखिए 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि कन्वर्स जैसे लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अब ये 12 आपका है और मैं कहती हूँ एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है तो इसका ये सब ग्रुप हो सकता है। आपका 12 ऑर्डर का ग्रुप है उसके आपका सब ग्रुप लें तो उसका ऑर्डर 4 हो सकता है। बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप जैसे 4 डिवाइसर आ रहा है, अब आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि इसके सब ग्रुप कौन कौन से बन सकते हैं, आप इसका डिवाइसर 4 है तो अब ये डिवाइसर इस डिवाइसर का होल्ड कर भी सकता है, सब ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर ये प्राइम होता तो तब हमें इसका कन्वर्स 2 हो जाता है, तब हमें कन्फर्म हो जाता कि जैसे 2 प्राइम नंबर है, आप प्राइम ऑर्डर का यहाँ पे 2 ऑर्डर का मतलब सब ग्रुप लास्ट में एग्जिस्ट करेगा, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप लास्ट में एग्जिस्ट करेगा, अब 4 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसके बाद नेक्स्ट और रिजल्ट्स आए, उसके बाद हमने प्राइम पी की पावर में बात की, तो वो सारी आगे बातें हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर्स आप जाके देख लें। होप सो अब ये आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी।